नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। धुरकी थाना परिसर कार्यालय में थाना प्रभारी गोपाल शर्मा, जयपाट कंपनी के सब इंस्पेक्टर फुलेश्वर मंडल सहित सभी पुलिस कर्मियों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपनी सात सूत्री मांग पत्र को लेकर काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने बताया कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन व झारखंड पुलिस बल एसोसिएशन के द्वारा झारखंड सरकार से पूर्व में किए गए अपनी मांग को मनवाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सात सूत्री मांग पत्र में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा बंद की जाए व दिल्ली पुलिस एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड पुलिस को 13 माह का वेतन दिया जाए। सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप पुलिसकर्मी को मिलने वाले भत्ते, वर्दी, राशन मनी, धुलाई व प्रशिक्षण भत्ता व एसीपी एमएसीपी का गणना का लाभ नियुक्ति की तिथि से दिया जाए। उन्होंने कहा कि नई सात पेंशन नियमावली की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए सहित सभी सात मांगों का जिक्र पुलिसकर्मियों ने किया। पुलिसकर्मी ने बताया कि आज हमारा प्रथम चरण का आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद 14 फरवरी को आरक्षी सरवण से पुलिस निरीक्षक तक के सभी पुलिसकर्मी अपने अपने वर्दी पर काला बिल्ला लगाएंगे और 20 फरवरी को सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। इस दौरान कंपनी प्रतिनिधि अजीत कुमार कैरव, अनीस दुखित राम, हवलदार रविरंजन पांडे, राम बालक मेहता, अनीस छुनेश्वर कच्छप व सभी आरक्षी व चतुर्वर्गीय पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। धन्यवाद। आज ये काला बिल्ला लगा कर किस लिए आप लोग हैं? हमारी पूर्व से लंबित सात मांगे सरकार द्वारा पूरी करने के लिए हम लोग अपना काला बिल्ला लगा करके ये कार्य कर रहे हैं। पहला मांग है सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा बंद किया जाए। दूसरा है दिल्ली पुलिस एवं अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड पुलिस को 13 माह का वेतन सातवें वेतन। तीसरा है सातवें वेतन आयोग के अनुसार अनुशंसा के अनुरूप पुलिसकर्मियों को मिलने वाली भत्ते, वर्दी भत्ता, राशन मनी, धुलाई भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता आदि दिया जाए। चौथा है एसीपी एमएसीपी का गन्ना लाभ नियुक्ति की तिथि से दिया जाए। पांचवा है शहीद मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित पुत्र को नौकरी हेतु निर्धारित उम्र सीमा में एवं आश्रितों की तहत अधिकतम उम्र सीमा शर्त की छुट्टी दी जाए एवं आश्रितों को मिलने वाली राशि में से 25% उनके माता पिता को दिया जाए। नई पेंशन छठा है नई पेंशन नियमावली के जगह पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। सातवां है चिकित्सा सुविधा वरीय पदाधिकारी की तरह ही कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए तथा प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाया जाए। आंदोलन 3 चरणों में शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना है। प्रथम चरण काला बिल्ला लगाना, जो आज हम लोग 12/2/2019 से 14/2/2019 तक आरक्षी संवर्ग से पुलिस निरीक्षक तक के सभी पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाएंगे, लगा करके और सामूहिक कार्यक्रम करेंगे। द्वितीय चरण 20/2/2019 को सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा।